मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक और चॉकलेट की रेसिपी मैं लेके आई हूँ, चॉकलेटी स्ट्रॉबेरी पंच मूस। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और देखने में इतनी ही ये अट्रैक्टिव है। मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चॉकलेट ग्लास बनाने के लिए हम प्लास्टिक की कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास ले लें। अगर ये ग्लास एकदम प्लेन हो तो इसे बनाने में बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे मैं वर्टिकली दो साइड से ग्लास को काटूंगी, हल्के हाथों से काटे ताकि ये स्ट्रेट कट जाए। और फ्रंट पार्ट ग्लास का थोड़ा कर्व है इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट को भी काट दिया है। और सेलो टेप से आप दोनों साइड्स को अच्छे से चिपका लें। और ध्यान रखें, सेलो टेप चिपकाते समय हम एक साइड सेलो टेप का थोड़ा सा मोड़ के रख लें ताकि जब हम चॉकलेट बाहर निकालें तो ये टेप इजीली हम बाहर निकाल सकेंगे। और चॉकलेट कैसे मेल्ट करते हैं ये आप मेरे लिंक पे जरूर देखें। यहाँ पे मैंने चॉकलेट में थोड़ा सा तेल डाला है ताकि चॉकलेट में अच्छा शाइन आ जाए। अब ये प्लास्टिक ग्लास को हम लिक्विड चॉकलेट से फिल करेंगे। अराउंड 2 से 3 चम्मच आप लिक्विड चॉकलेट डालें और फिर जो एक्स्ट्रा चॉकलेट हो उसे आप ड्रेन आउट कर लें। लेकिन ध्यान रहे, चॉकलेट उन दो साइड्स पे अच्छे से लग जाए जहाँ पे हमने सेलो टेप से चिपकाया है, नहीं तो आप 10-15 मिनट एक बार फ्रीजर में इस ग्लास को रख दें, फिर आप इसे बाहर निकाल के देख सकते हो कि अगर ग्लास में कुछ क्रैक आए हैं तो आप थोड़ा चॉकलेट और डालें और फिर से उसे फ्रिज में रख दें। 10 से 15 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद आप इजीली इस चॉकलेट ग्लास को अनमोल्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, जब आप सेलो टेप ग्लास से निकालते हो एकदम हल्के हाथों से इसे निकालें और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चॉकलेट ग्लास को आप बाहर निकालें। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अगर ये लिक्विड चॉकलेट ग्लास के एजेस पे चिपकी हुई हो तो उसे आप पहले निकाल लें, उसके बाद ही आप ग्लास को अनमोल्ड करें। अब हम चॉकलेट टैकोस बनाएंगे, जिसके लिए आप किसी भी प्लास्टिक शीट के ऊपर 4 इंचेस का सर्कल काट लीजिए और उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट को स्प्रेड करिए। हल्के हाथों से अपने हथेलियों पे रख लीजिए और आप उसे सेलो टेप से ज्वाइन कर लीजिए। 2 एजेस को ज्वाइन कर लीजिए जिस शेप में भी आपको टैकोस को बनाना है। एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप ड्रेन आउट कर लीजिए और उसी तरह 10 से 15 मिनट आप फ्रीजर में रखें और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे और इजीली ये टैकोस बाहर आ जाते हैं। कुछ मेल्टेड चॉकलेट्स मैंने बबल रैप पे भी डाला था जिसे आप डेकोरेट करने में यूज कर सकते हो। आप चॉकलेट को स्प्रेड कर ले बबल रैप के ऊपर और 10 से 15 मिनट फ्रीजर में रखने के बाद इसे बाहर निकाल ले। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम हनीकॉम्ब की तरह। इसे आप छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और फिर इससे हम ग्लास को डेकोरेट करेंगे। आप अपने चॉइस से कोई और भी पैटर्न बना सकते हो। अब हम स्ट्रॉबेरी पल्प बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है और आप इसे अच्छे से 3 या 4 बार धो लीजिए और फिर इसे हम छोटे छोटे डाइस में काटेंगे। ध्यान रखें व्हाइट पार्ट निकाल लें इसका, उसके बाद ही आप इसे कट करें। और 2 स्ट्रॉबेरी को आप माइन्यूटली कट करके उसे अलग रख लें, उसका पल्प ना बनाएं। यहाँ पे 1 बाउल कट किया हुआ स्ट्रॉबेरी है जिसमें मैंने 1/2 बाउल चीनी डाला है और उसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि स्ट्रॉबेरी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बनाने के बाद फिर से हम कम से कम 1/4 कप साइड कर लें और उसके बाद बाकी सभी को हम अच्छे से छान लेंगे, जिसे कि हम क्रीम में मिक्स करेंगे। और अब चॉकलेट गनाश बनाएंगे, उसके लिए चॉकलेट और क्रीम को आप मिक्स करें और गर्म कर लीजिए तो ये चॉकलेट गनाश तैयार है। फिर इसी से हम चॉकलेट मूस बनाएंगे। चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं ये आप मेरे लिंक पे जरूर देखिए। अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। यहाँ पे मैंने रिच का एक्सेल व्हिप क्रीम यूज किया है, आप चाहे तो कोई और भी क्रीम यूज कर सकते हो। क्रीम हमारा अच्छे से व्हिप हो चुका है, स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी तैयार है, साथ ही साथ चॉकलेट गनाश भी रेडी है।
क्रीम को आप दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड कर ले अगर आपको व्हाइट क्रीम भी चाहिए तो। तो एक पार्ट में मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दिया है और दूसरे पार्ट पे चॉकलेट गनाज डालूंगी जिससे कि हम चॉकलेट मूज बनाएंगे। दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये स्ट्रॉबेरी मूज एंड चॉकलेट मूज रेडी हो चुका है। अब हम चॉकलेट ग्लास को स्पंज केक के पीसेस से फिल करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी मूज का लेयर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें केक का सेकंड लेयर भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से स्पून से प्रेस कर लें। फिर जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस हमने काट के रखे थे फ्रेश स्ट्रॉबेरी उसे डाल दीजिए। एक और लेयर आप मूज का डालें और ऊपर के पार्ट को आप अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। एंड ग्लास के कॉर्नर्स पे आप चॉकलेट पल्प जो हमने साइड में रखा था थोड़ा सा उससे आप ग्लास को डेकोरेट कर लीजिए। और इसी तरह हम अपने चॉकलेट मूज का ग्लास रेडी कर सकते हैं। केक और चॉकलेट मूज के लेयर्स लगाते हुए आप व्हाइट क्रीम से इसे थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए और हनी कॉम जो हमने बनाया था चॉकलेट से उसके कुछ पीसेस को आप ग्लास के ऊपर लगा दीजिए और ये रेडी है ग्लास आपका। इसी तरह आप टैकोस को फिल करिए केक और क्रीम से तो टैकोस भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस चॉकलेट डे पे क्यों ना इस रेसिपी को आप ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।